बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। काइंडली जो पढ़ाया जाए आप उसको अच्छे से रिवाइज भी किया करें डेली। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैं ज़्यादा पढ़ा देती हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को इतना पढ़ा सकूँ कि आप लोगों को समझ आए। मैं ट्राई भी करती हूँ, बट ये है कि मुझे 20 से 24 या 25 मिनट्स का लेक्चर देना होता है, तो अगर बिल्कुल थोड़ा दूंगी तो फिर उसका भी फायदा नहीं है। 15 मिनट के लिए तो नहीं ना हमने पढ़ना। कोशिश करें उसको आप डिवाइड कर लें डे में। आप सुबह के टाइम हाफ पढ़ लें और शाम में हाफ पढ़ लें, या फिर 2 दिन में एक लेक्चर तैयार कर लें, ठीक है। बट पढ़ना ज़रूरी है, और इसके अलावा आप लोगों को कोई काम होना भी नहीं चाहिए सच पढ़ाई के अलावा, ठीक है। बाकी मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा ना पढ़ाऊँ, इतना पढ़ाऊँ कि आप लोग याद कर सकें। एंड आई होप आप लोग अलग से लिख भी रहे होंगे लेक्चर, ठीक है। अपने अलग से रजिस्टर्स आप लोगों ने रखे हुए होंगे, तो उस पर पॉइंट्स बना लिया करें जो लेक्चर में है, या फिर जो आप लोग के पास नोट्स हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में भी, और बाद में मुश्किल ना हो पेपर्स के टाइम पे या टेस्ट इवेल्यूएशन के टाइम पे। चले, हमने जो है अब तक, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। पहले हम 3 लेक्चर्स में, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, स्कोप देख चुके हैं फार्माकोग्नोसी का, फिर हमने देखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स वैसे हमने क्यों एकदम से नाम ले लिया? पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, देन हम एकदम क्रूड ड्रग्स पे आ गए, ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते ही क्रूड ड्रग्स हैं, ठीक है। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? क्रूड ड्रग्स ड्राइड अनरिफाइंड रॉ मटेरियल होता है आपका, प्लांट, एनिमल या किसी भी मिनरल सोर्स से लिया हुआ, उसको फिर आप फर्दर मेडिकेशन में फॉर्मुलेट करते हो, ठीक है। तो इसको हम क्रूड ड्रग्स को ही पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, आगे भी हम क्रूड ड्रग्स को ही लेके चलेंगे। कोई भी प्रोसेसिंग होगी तो वो भी क्रूड ड्रग्स से ही रिलेट करी हो। थर्ड लेक्चर में हमने जो है अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। कल जो पढ़ा था कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज की थी, कुछ आज करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज बार बार फार्माकोग्नोसी में आगे यूज होंगी, तो इसलिए इनका पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर अस। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज लेक्चर, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। नंबर 1, इल्यूशन। व्हाट इज इल्यूशन? अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वन मटीरियल फ्रॉम एनदर बाय वॉशिंग विद अ सॉल्वेंट। एक ऐसी टर्म है ये जो एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है, एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल का एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल को हासिल करना विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। अब ये कैसे होती है प्रोसेसिंग? ये एक एक्सपेरिमेंट है, एल्यूशन। आपने क्रोमेटोग्राफी शायद पहले पढ़ा होगा, इसमें ये होता है आप लैब में ये करते हो, आपको जो एक चीज़ है, कोई भी आप सॉलिड प्लांट ले लें या कोई भी पाउडर ले लें, उसको सॉलिड फॉर्म में लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके अंदर जो है आपने एक सॉल्वेंट डाल दिया कोई भी, जो उसके साथ जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हो सकते हैं, फिर उससे जो जो वो उसको थोड़ी देर रखेंगे, फिर उसके साथ जो है जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे, और फिर वो मूव आउट होना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके अंदर से जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को एल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑयल्स, ये वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को क्या कहते हैं? दीज आर डिफाइंड एज वोलेटाइल ऑयल्स दैट आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स यूजिंग अ स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो हम यूज करते हैं, और ये प्लांट से लिए जाते हैं ऑयल्स, ठीक है। और दे हैव इसेंस, मतलब इनमें खुशबू होती है खास किस्म की, सही हो गया। इसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल्स। अब स्टीम जो है, वो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस एक होता है, वो क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेशन होती है बेसिकली टू प्योरीफाई और आइसोलेट टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल सच एज नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड्स। स्टीम और वाटर जो है वो डिस्टिलेशन अपरेटस होता है, एक उसमें ऐड की जाती है, ठीक है। लोअर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपाउंड्स के, और फिर वहां से वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं जो एरोमेटिक मतलब खुशबूदार कंपाउंड्स होते हैं, सही है, नेचुरली खुशबूदार कंपाउंड्स, उनको वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल्स बोलते हैं। अब इनकी एग्जांपल है कैम्फर एंड पेपरमेंट ऑयल। पेपरमेंट ऑयल,
कैम्फर का फूल को बोलते हैं अक्सर को पता होगा, और पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट ऑयल जो होता है वो मेरे ख्याल से ज्यादा पुदीने के थ्रू जो है वो लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट, अ ड्रग दैट प्रमोट्स द डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है? एक्सपेक्टोरेंट वो होती है जो आपकी म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको प्रमोट करे डिस्चार्ज को। ठीक है, आपको अक्सर जो गले का मसला होता है ना उसको निकालती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों को बलगम का इशू आ रहा होता है उसको ख़त्म करती है। बहुत सारे ऐसे सीरप हैं गले के नज़ले ज़ुकाम के, उनको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, जो आपकी जो ब्लॉक हुए हुए होते हैं ना नज़ले ज़ुकाम की वजह से, ये एयर पैसेजेस या गले की जो सांस वाली नाली है उसकी जो पाइप्स होते हैं ट्रेकिया बोलते हैं उसको, उनको खोलती हैं ये। नेक्स्ट इज फैटी ऑयल, दे आर प्रेस्ड फ्रॉम द सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। इनको प्रेस किया जाता है सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स से लिया जाता है, एंड आर इंसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, ये डिजोल्व नहीं होते, एंड लीव अ स्पॉट ऑन पेपर आफ्टर डाइंग। जब इनको मतलब वो किया जाता है ना, खुश किया जाता है, यहाँ आ रहेगा, ये डाइंग नहीं है ड्राइंग है, जब खुश किया जाता है तो फिर ये एक स्पॉट छोड़ जाते हैं पेपर पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स होगी कैस्टर ऑयल होंगे, ऑलिव ऑयल होंगे, एंड सेफ्लावर ऑयल। नाउ व्हाट इज फाइबरस? फाइबरस क्या होता है? फाइबरस इज कंपोज्ड और कवर्ड विद टफ स्टिंग लाइक टिश्यूज। ठीक है, जो फाइबरस है वो इस तरह से होगा, देख, एक है टैप रूट जिसकी जड़ है टैप रूट सख्त किस्म की, और एक है फाइबरस। फाइबरस कहते हैं धागेदार को, ठीक है, जिसमें धागे से होंगे, फाइबर्स होंगे, इसको फाइबरस रूट बोलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, टफ स्टिंग लाइक टिश्यूज, डंग की तरह के टिश्यूज होंगे। नेक्स्ट इज फ्लावर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स। द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो कुछ ऐसे फ्लावर होता क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो प्लांट का मतलब यहाँ से इसमें पॉलन्स होते हैं, और पॉलन्स जो हैं वो फिर ये छोड़ते हैं हवा में, और उससे जो है ये जहाँ जाके गिरेंगे फिर नया पौधा उगता है, इसलिए नई जनरेशन इनके थ्रू स्टार्ट होती है, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मतलब रवायती जो दवाइयाँ हैं ना उसमें बहुत कारामद रहे हैं फ्लावर जो हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्लव है, शेमोमाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं या कैमोमाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं इनको। ये क्लव जो है ये लौंग को कहते हैं, ये भी एक फूल की जो है वो किस्म है, और जो लौंग है वो अक्सर दांतों की बीमारी के लिए, दांतों में दर्द हो, जो गम्स होते हैं हमारे दांतों की उनमें दर्द हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर, व्हाट इज फ्रैक्चर? एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज फ्रैक्चर। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हो सकती है, प्लांट्स में ले लें, किसी चीज़ को तोड़ना, उसकी जड़ से उखाड़ना उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, या किसी को किसी फूल को पौधे से तोड़ लेना उसको फ्रैक्चर बोलेंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज फ्रैक्चर। फ्रूट, अ फ्रूट इज द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के वो हिस्सा जो जिसमें सीड होता है उसको फल बोलते हैं। फ्रूट्स हैव बीन हैविली यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। अब फ्रूट जो है वो बहुत सारे मेडिसिनल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होते रहे। ड्राइड होल फ्रूट्स और पोर्शन ऑफ फ्रूट्स कैन बी यूज, या तो पूरा पूरा फल इस्तेमाल होता है या उनका कोई पोर्शन ऐसा होता है जिसमें मेडिसिन होती है वो इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगी, जो हमारी गाजर की फैमिली है उसमें फेनल फ्रूट एंड अनाइस, जो सौंफ वगैरह है ना वो इस्तेमाल होती है बहुत सारी मेडिसिनल पर्पजेज के लिए, पेट की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होती है, गले के लिए भी इस्तेमाल होती है, इस बहुत सारी ऐसी चीजें उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट इज गॉल, व्हाट इज गॉल? एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े जो होते हैं कुछ ऐसे, वो प्लांट के बाहर एबनॉर्मल ग्रोथ बनाना शुरू कर देते हैं, वो उसको खाते हैं और बाहर मतलब वो नॉर्मली जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, खुद कोई और उस पर स्ट्रक्चर सा बनना शुरू हो जाता है इंसेक्ट्स के काटने की वजह से या खाने की वजह से, उसको गॉल बोलते हैं। वट इज ग्लैंडुलर? ग्लैंडुलर इज
कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लैंड. ग्लैंड से पता लग रहा है, ग्लैंड क्या होते हैं, जो सिक्रीशंस छोड़ते हैं. इंसानी बॉडी में भी होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू, ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट इज, तो प्लांट्स में भी ग्लैंड जो हैं वो पाए जाते हैं, जो सिक्रीशंस देते हैं, और उनसे भी मेडिसिनल पर्पजेज लिए जाते हैं. ग्लॉसी, हैविंग अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस. ग्लॉसी का मतलब होता है किसी भी प्लांट की या किसी भी चीज़ की जो सरफेस होगी, ऊपर वाली सतह या लेयर होगी, वो बहुत ज़्यादा चमकदार होगी, उसको ग्लॉसी बोलते हैं. बहुत सारे प्लांट्स होंगे, आप उनको देखते हो, शाइन करते होंगे, फूल ऐसे होंगे, गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी शाइनी सी होती हैं, उनको ग्लॉसी बोलते हैं. नेक्स्ट इज ग्रिटी. व्हाट इज ग्रिटी? ग्रिटी का मतलब होता है सैंडी, मतलब रेतीला, रेतला, ये जो भी बोलेंगे उर्दू में, सैंडी इसको बोलते हैं. कंटेनिंग फाइन स्टोनी और हार्ड पार्टिकल्स. इसमें फाइन होते हैं लेकिन थोड़े पथरी जैसे रेत में होते हैं, और हार्ड पार्टिकल्स. अक्सर आप रेत को हाथ में लो ऐसे लगता है जैसे बहुत नरम है, लेकिन नहीं, आप उसके जरात को देखो तो वो बड़े स्टोनी किस्म के होते हैं, पथरीले से होते हैं, उसको ग्रिटी बोलते हैं. नेक्स्ट इज गम. गम्स आर सॉलिड्स. गम जो है वो सॉलिड्स होती हैं, ठोस होती हैं, दैट आर मिक्सचर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. अब गम जो है ना वो प्लांट में अक्सर लकड़ी से भी निकलती हैं, अक्सर देखी होगी, वैक्सी सी होती हैं, तो वो शुगर से मिलकर बनी होती हैं. पॉलीसेक्राइड्स इज अ टाइप ऑफ शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल, वो टाइप है ये पॉलीसेक्राइड्स. दे आर वाटर सोल्यूबल, ये पानी में घुल जाती हैं. शुगर हमें पता है पानी में जल्दी घुल जाती हैं. एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमंस, और ये इस तरह की होती हैं कि इंसान जो है इनको जल्दी हजम भी कर सके. तो गम्स आर सॉलिड्स दैट आर मिक्सचर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स यानी शुगर्स. दे आर वाटर सोल्यूबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमंस. नेक्स्ट इज हैबिट. हैबिट क्या है? द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट. प्लांट की जो ओवरऑल अपेयरेंस है वो कैसा दिखता है, उसको हैबिट बोलते हैं. इंग्लिश में हैबिट बोलते हैं, दिस इज द हैबिट ऑफ दिस प्लांट, इट्स रेड इन कलर, इट्स हैबिट इज रेड, मतलब ये इस तरह से रेड दिखता है, इसको हैबिट बोलते हैं. हर्ब. हर्ब जो होती है, इट इज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम, इसकी लकड़ी वाली स्टेम नहीं होती. एंड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स यूजली डाइज इधर कम्प्लीटली, या तो पूरा टेम्परेट क्लाइमेट्स में बिल्कुल ही जो है मर जाता है, और बैक टू द रूट्स बाय द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, या फिर एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन में ये रूट्स तक चला जाता है, मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाता है. ठीक है, अब ये एक टर्म है इसमें, टेम्परेट क्या होता है, टेम्परेट क्लाइमेट्स, टेम्परेचर का जी इससे ताल्लुक है, टेम्परेट क्लाइमेट्स का. ठीक है, टेम्परेट जो है क्लाइमेट्स अर्थ के मिडल लैटीट्यूड, अर्थ के दरमियान में है ना इलाके, वहां पे आते हैं. यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से 50 डिग्री तक रहते हैं, गर्मी वाले इलाके को टेम्परेट जोन बोलते हैं. तो गर्मी में मतलब ऐसी हर्ब्स जो होती है ना, जड़ी बूटियां, वो मरमरा जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मेडिसिनल हर्ब्स. अब मेडिसिनल हर्ब्स क्या होती हैं, जो अच्छा ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, जो हर्ब है ना ये बॉटनिकल टर्म है. ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड है, मतलब प्लांट्स की उसमें देखा जाए अगर तो प्लांट्स की स्टडी में ये टर्म यूज होती है. जो मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती है इस हर्ब से, बॉटनिक हर्ब से. इट रेफर्स टू एनी प्लांट्स, ये किसी भी प्लांट से रेफर कर सकते हैं यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. ठीक है, ये मेडिसिनल जड़ी बूटी होती है, किसी भी आप प्लांट से ले सकते हो. नेक्स्ट इज इनसाइज, टू कट शार्पली एंड डीपली ऑन द मार्जिन. इनसाइज का मतलब ही होता है कट करना, तो मार्जिन पे बिल्कुल उसके एंड पे, या उसको बहुत तेजी से शार्पली उसको बिल्कुल सीध में और परफेक्टली उसको कट करना, किसी भी प्लांट को या किसी भी चीज को, तो उसको इनसाइज बोलेंगे. नेक्स्ट इज लिगेटिव. व्हाट इज लिगेटिव? द फूड कंपाउंड और ड्रग दैट लूजन्स द बाउल, मतलब स्टूल, जो जिनको कब्ज हुई होती है उनको फीसेस नहीं आ रहे होते, और उसकी जो है उसको ठीक करने के लिए लेगजेटिव दिए जाते हैं. डूफालैक एक सीरप है, वो दिया जाता है मेनली, बहुत ज्यादा दिया जाता है, लेगजेटिव है. इससे क्या होगा, जो पेट में आपकी स्टूल है उसको सॉफ्ट करेंगे, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो है उसको खोल देंगे, और आपको सही से पखाना आ जाएगा, अगर मैं उसको उर्दू में बयान करूं तो. ठीक है, तो ही लेगजेटिव द फूड कंपाउंड और ड्रग दैट लूजन्स द बाउल स्टूल टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन. लीव्स. What are leaves? Flattened structures of a higher plant. एक higher plant में हमेशा leaves उगते हैं. ठीक है, जिनकी higher class होती है, छोटे मोटे पौधों में ज्यादा नहीं होते, उनमें छोटे छोटे पत्तियां होती हैं. तो leaves जो है वो flattened structures होते हैं, flat होते हैं शक्ल देखने में,
टिपिकली ग्रीन, आमतौर पर सब्ज रंग के होते हैं और ब्लेड लाइक होते हैं शक्ल। आपने देखे होंगे पपीते के दरख्त के जो पत्ते होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं ब्लेड की शक्ल में, मतलब बिल्कुल फ्लैट होते हैं और बहुत नोकदार भी होते हैं। दैट आर अटैच टू अ स्टेम, जो तने के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको लीव्स बोलते हैं। वट इज लैमेला? लैमेला क्या है? अ मेम्ब्रेन बिटवीन एनी टू सेल्स इज नोन एज लैमेला। कोई भी दो सेल्स हों, चाहे वो इंसान के अंदर हों या चाहे वो प्लांट के अंदर हों, उनके दरमियान की जो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है उसको लैमेला बोलते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, एनाटमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे लैमेला, एनाटमी में ज़्यादा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अ मेम्ब्रेन बिटवीन एनी टू सेल्स इज नोन एज लैमेला। नेक्स्ट इज लेंटिसल। वट इज लेंटिसल? लेंटिसल अ स्मॉल ब्रीदिंग पोर इन द बार्क ऑफ ट्रीज या श्रब्स। जो बार्क्स होती है ना ट्रीज के अंदर, बार्क क्या होती है हमने पढ़ा था, बार्क बार्क जो है वो ट्रंक की आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ट्री ट्रंक की। ठीक है, डिफरेंट जो है लेयर्स ऑफ लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है। तो बार्क जो है ट्रीज की, उनके अंदर एक पोर होगा जिसके थ्रू पौधे जो है वो सांस लेते हैं। ठीक है, पौधे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो भी रेस्पायर करते हैं, प्रोसेसिंग होती है उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की, तो वो भी रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन उनको भी चाहिए जिसकी वजह से वो बढ़ेंगे, ग्रोथ ग्रोथ चाहिए होगी उनको। ठीक, तो उस लेंटिसल इज अ स्मॉल ब्रीदिंग पोर इन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया, तो काइंडली आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और कोशिश करें कि भूले नहीं, आपको लिख के याद करें ताकि टर्मिनोलॉजीज आपको पेपर्स में भी याद रह सकें। आसान है, फार्माकोग्नोसी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लगता है अक्सर कि ड्राई सब्जेक्ट है, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट। ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट, और जो भी आपको क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड बट डोंट आस्क और कॉल, मतलब इस तरह से अगर आपको कोई ज़्यादा इशू है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, क्योंकि मैं तो खुद टीचर हूँ ना, मुझे ज़्यादा इतना नहीं पता होगा आप लोगों की किस तरह की, मतलब टेस्ट कब होने हैं एंड ऑल दैट, तो आप मैम से पूछें। बाकी है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन टेक्स्ट मी। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।